गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 क्विंटल 94 किलो और 250 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इसके साथ 1 ट्रक 1 कार और 5 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जिसकी जानकारी DCP वेस्ट सोनम कुमार ने दी है। पुलिस उप महानिरीक्षक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ANTF लखनऊ के निर्देशन में पुलिस आयुक्त महोदय की टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। इसमें 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बिजलीगढ़ सैया के पास इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 1 क्विंटल 94 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 97 लाख है। इसमें जो हमने 8 लोग गिरफ्तार किए हैं उनके नाम है विवेक कुमार, सचिन, कुलदीप, हरिंदर, मुकेश, भगवान सिंह, राशिद और अंसार उर्फ बबलू। इसमें जो मुख्य व्यक्ति था वो विवेक कुमार था, क्योंकि ज्ञान लेकर था। इसके अंदर जो सचिन, कुलदीप, हरिंदर और भगवान हैं, ये लोग स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आगे आगे रखी करते हुए जाते थे कि पुलिस को नहीं लगी, और पीछे ट्रक में मुकेश कुमार, अंसार और राशिद, ये लोग बारी बारी में ट्रक चला जाते थे। ये विशाखापत्तनम से लेके आ रहे थे और यहाँ पे जनपद मथुरा, आगरा, हाथरस और अलीगढ़ में इनको इसको बेचने का प्लान था, पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 1 क्विंटल 94 किलोग्राम और 250 ग्राम अवैध गांजा, 1 अदद ट्रक 10 टायर का, 1 अदद कार स्विफ्ट डिजायर और 5 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। अभियुक्त में विवेक कुमार और मुकेश कुमार में पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें विवेक कुमार पर NDPS आबकारी के मुकदमे पंजीकृत हैं जनपद अलीगढ़ में, और मुकेश कुमार के गैंगस्टर और 302 का मथुरा जनपद में पहले से मुकदमा है। इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे विधि कार्रवाई की जाएगी। इनका बाकी लोगों को कोई आपराधिक इतिहास नहीं है? बाकी लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं, इसे पूछताछ के क्रम में जैसे भी जानकारी मिलेगी, बाकी लोग भी अगर प्रकाश में आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हम करें।